बस कुछ ही समय बाद अरुणाचल प्रदेश का सेला टनल बनकर तैयार होने वाला है। 13,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद 317 किलोमीटर लंबा बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर सेला पास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सेला सुरंग के तैयार होने पर ये यात्रा और छोटी हो जाएगी और तवांग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सेला सुरंग भारत के नज़रिए से इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ की वजह से 1962 के युद्ध की टीस आज भी भारत को परेशान करती है। इस अनोखी सुरंग का निर्माण नए ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से हो रहा है, जिसके जरिए स्नो लाइन से काफ़ी नीचे सुरंग को बनाया जा रहा है ताकि बर्फ हटाने जैसी चुनौती ना रह पाए। सेला सुरंग की विशेषताओं की बात करें तो ये सेला पास से होकर गुजरता है और इसके तैयार होने पर तवांग के रास्ते चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये सुरंग सीमा पर अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच स्थित है। सेला सुरंग प्रोजेक्ट में दो सुरंगें शामिल हैं। सुरंग एक 980 मीटर लंबी है, जबकि सुरंग दो एक ट्विन ट्यूब टनल है जो 1555 मीटर लंबी है। इस सुरंग के तैयार होने पर असम के तेजपुर स्थित सेना के चौथी कोर मुख्यालय और तवांग के बीच की दूरी भी 1 घंटे तक कम हो जाएगी। सेला सुरंग का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीदें हैं। सेला सुरंग तैयार होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के खासकर बोमडिला और तवांग के बीच के 171 किलोमीटर की दूरी हर मौसम में इस्तेमाल करने लायक बन जाएगी। 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला को रखा था। इस सुरंग के निर्माण पर 687 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब सेला पर कब्जे के बाद ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी युद्ध की सूरत को बदलने में कामयाब हो गई थी। अब भारत वहाँ तेजी से अपनी सेना को सड़क मार्ग से पहुँचाने में सक्षम हो रहा है। सुरंग की मेन ट्यूब का सफल विस्फोट इसके उत्खनन के अंत का प्रतीक है। प्रोजेक्ट की 980 मीटर लंबी दूसरी सुरंग पर काम पहले ही 700 मीटर से ज़्यादा पूरा हो चुका है। पूरा होने पर 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सुरंग 13,800 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन रोड सुरंगों में से एक होगी और इस सुरंग के बनने से भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसे और अधिक बल मिलेगी और जो लोग तवांग जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी सुविधा प्रदान करेगी, क्योंकि इस सुरंग के बन जाने के बाद तवांग जाने का जो रास्ता है उसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा पाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ईस्ट न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।